नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं न्यू डीएवी हाई स्कूल जनता बाजार में। जनता बाजार में एक रंगोली प्रतियोगिता हो रही है। उस रंगोली प्रतियोगिता में बच्चे और बच्चियों ने भाग लिया है। अपने हुनर को दिखाते हुए बच्चे और बच्चियों ने कितना बढ़िया हुनर अपना दिखाया है। और इस विद्यालय न्यू डीएवी हाई स्कूल में ये प्रतियोगिता होनी थी और हुई है। मैं वह दृश्य सीधा आपको दिखा रहा हूँ। मैं आइए जानना चाहूँगा मैं यहाँ के बच्चियों से कि आखिर ये हुनर ये प्रतियोगिता रख गई, इसके बारे में इनको क्या कहना है। सबसे पहले आप कुछ कहना चाहती हैं तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज मौका मिला है रंगोली कंपटीशन में भाग लेने का। और मैं उस स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस कंपटीशन में आने का मौका मिला। सबसे पहले ये तो कि रंगोली आखिर है क्या। रंगोली मतलब रंग, जो होली, होली मतलब एकता। मतलब हम अपने जीवन में अगर बहुत सारे लोगों के ग्रुप में रहें, यानी कि एकता रखें, तो किसी भी बड़ी मुसीबत से हम डट सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं और अपने जीवन में रंग भर सकते हैं। रंगोली हमें यही सिखाता है कि अगर हम एकता के साथ रहें तो चाहे वो कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, हम उसमें जीत हासिल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। रंगोली एक संगठन का चीज़ है, यहाँ बहुत सारी टीमें काम करती हैं और टीम वर्क होता है। इन्होंने बताया कि टीम वर्क में हम संगठित होकर के कोई भी काम करें तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। चलिए आइए जानते हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या कुमारी, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि रोहन सर ने इस चीज़ को आयोजित किया और मैं उन्हें अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और यह कहना चाहूँगी इस रंगोली प्रतियोगिता में मुझे संबंधित होने का मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं यह कहना चाहूँगी कि हमें इस रंग की तरह हमें अपने क्लास में मतलब एकत्रित बनाए रखना चाहिए और हमें कभी भी कोई काम मिलकर करेंगे तो एकदम आसानी से होगा। कोई भी काम मिलकर हम करें तो आसानी से होगा। इसमें एक विद्यालय की शिक्षिका भी कुछ कहना चाहेंगी, इसमें कंचन मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बच्चों के हुनर को निखारना चाहिए और हर बच्चों के अंदर अनेक हुनर होता है, तो अगर हम उसको थोड़ी सी हवा दें तो वो हवा एक तूफान और एक बड़े टाइप का भी स्वरूप ले सकता है। ये मेरा कहना है कि हर बच्चों की सोच को हमें उड़ान देनी चाहिए। और हम शिक्षक का यही मानना है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दें तो वो बच्चे जरूर एक न एक दिन उस आसमान के तारे पे जैसे चमकेंगे और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। मेरे बहुत बढ़िया शिक्षिका ने बताया। तो बच्चों को अगर हुनर को हम सराहें तो बहुत आगे जा सकते हैं और आसमान को छू सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा न्यू डीएवी हाई स्कूल की शिक्षिका मैडम कंचन मैम ने। तो इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।